हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, पर एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल के दूसरे दिन के सुसमाचार में हम आज सुनते हैं कि यीशु के पास एक रोमन शकपति अपने एक दास के चंगाई के लिए अनुरोध करता है। हालांकि वो सैनिक जो एक विदेशी दमनकारी शक्ति का प्रतिनिधि था, यीशु उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। लेकिन जब वह रोमन अधिकारी अपने घर में यीशु की उपस्थिति के लिए अपने को अयोग्य महसूस करता है और हिचकिचाता है, तो उसकी सच्ची विनम्रता के लिए यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं। यह ध्यान देने के योग्य है कि वह रोमन अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति के कल्याण की परवाह करता है जो उसका एक मामूली सा दास था। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि एक रोमन अधिकारी अपने दास के लिए यीशु के आगे झुक रहा है। इस आगमन काल में जब हम भी अपने जीवन में प्रभु को आने का निमंत्रण देते हैं, तब इस रोमन शतपति का विनम्र लेकिन आशा से भरा अनुरोध हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा है। उसका आशावादी विश्वास हम सभी के लिए अनुसरण करने के योग्य एक प्रेरक उदाहरण है। वो प्रभु को अपने पास आने के लिए अपनी अयोग्यता को पहचानता है, फिर भी उसे मसीह के वचन की शक्ति पर पूरा भरोसा है। पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने से पहले हम लगभग इन्हीं शब्दों को रोज दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, पर एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी चंगाई की अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं और हम भी अपने जीवन में प्रभु के जीवनदायी स्पर्श की लालसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारी मदद कर सकता है, आश्वस्त हैं कि उनका वचन हमें चंगा और नवीन कर सकता है और हमें नया रूप दे सकता है। और इसीलिए आइए हम भी अपनी अयोग्यता को मानते हुए पश्चातापी हृदय से विनम्र होकर भरोसे के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु आओ, हे प्रभु यीशु आके मुझे चंगाई प्रदान कर, हे प्रभु यीशु आके मुझे अपनी कृपा से भर दे। आमीन।